आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 24वां नक्षत्र है शतभिषा। इसका अर्थ है 100 चिकित्सक यानी कि 100 डॉक्टर्स। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। राहु एक छाया ग्रह है और इसकी जो राशि है वो कुंभ है। कुंभ के राशि स्वामी शनि हैं। इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं। शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत जिन जातकों का जन्म होता है वो बुद्धिमान होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन साथ ही रहस्यमयी होते हैं। शतभिषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है। जिन लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है वो अपना काम जो है बहुत ही गोपनीय तरीके से करते हैं, यानी ये लोग बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं रहते, काम पूरा हो जाने के बाद ही किसी को बताते हैं। शतभिषा नक्षत्र पर राहु का प्रभाव होने के कारण ये लोग कंफ्यूज होते हैं और इनकी जो निर्णय लेने की कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी नहीं होती। इन लोगों को अपने पारिवारिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना होता है। इनका स्वभाव जो है वो तो अच्छा होता है लेकिन अपने फादर से इन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिलती, हाँ माँ के करीब होते हैं। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं देखी जाती। शतभिषा नक्षत्र पर राहु और शनि का प्रभाव होता है। अगर राहु का प्रभाव ठीक नहीं है तो जातक फालतू की जो है बातों में इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और संवेदनहीन भी देखे गए हैं। इन्हें अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस करना होता है। अपने करियर में भी कई बार जो है ये बदलाव करते हुए देखे गए हैं। इनकी पसंद क्या है इसको लेकर भी ये बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। ज्योतिष, मनोविज्ञान, रेकी और इलाज से संबंधित, मेडिकल से संबंधित सभी तरह की जो उपाय हैं उसके बारे में इन्हें नॉलेज होता है और इसीलिए अगर ये सारे फील्ड्स जो हैं ये इनमें काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इस नक्षत्र का व्यक्ति अगर डॉक्टर हो जाए तो बहुत ही योग्य डॉक्टर होता है, और अगर डॉक्टर ना भी हो तो भी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। इनके पास हर खबर आती है। ये लोग बहुत ही अपडेटेड होते हैं। किसी तरह की कोई गुत्थी है उसको ये सुलझाने में एक्सपर्ट होते हैं। कोई क्राइम हुआ है तो ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये क्राइम किसने किया है। शतभिषा नक्षत्र के लोग सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनका मूड बहुत जल्दी खराब हो सकता है। बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर ये अपसेट हो जाते हैं और बहुत ही गुस्से में जो है बर्ताव करते हैं, इसलिए इन लोगों को शांत रहना चाहिए। कई बार इनके अंदर शक करने की बीमारी आ जाती है, इसकी वजह से इन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना होता है। इस नक्षत्र के लोगों को नशाखोरी, मादक द्रव्यों का सेवन और दूसरी बुरी आदतें भी लग सकती हैं, इसलिए इन लोगों को अपने कंपनी किसके साथ उठते बैठते हैं इस पर खासा ध्यान रखना चाहिए। इस नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं होता। बार बार सर्दी, खांसी और वायरल रोग जो हैं इन्हें लगे ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें थकान भी महसूस होती है। इसके साथ ही सांस में समस्या हो सकती है, डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है।